नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आप सबसे बताने वाला हूं कि जब भी हम किसी भी गाड़ी को इंजन ओवरहॉल करते हैं तो हमें उसे लॉन्ग लाइफ के लिए क्या करनी चाहिए, कैसे उसे फिटिंग करनी चाहिए कि जो हमारा इंजन है वो लॉन्ग लाइफ चले। तो दोस्तों ये जो इंजन ब्लॉक आपको सामने में दिखने को मिल रहा है ये हमारे महिंद्रा मैक्सिमम मिनी वैन गाड़ी का है दोस्तों। आज हम इस गाड़ी को इंजन ओवरहॉल करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आप सबको हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे हम इसे फिटिंग करेंगे ताकि जो हमारा इंजन है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और स्टेप बाय स्टेप आप सबसे बताने हैं कि इंजन को कैसे ओवरहॉल करनी चाहिए। दोस्तों मैं इन सबको बता दिया हूँ कैसे सफाई करना है, कैसे क्या करना है। अब दोस्तों ये हमारा जो मेन बेयरिंग है उसे हम इसके अंदर फिटिंग करने जा रहे हैं ब्लॉक के अंदर। दोस्तों कैसे हम इसे फिटिंग करेंगे, तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा है तीन बेयरिंग लगेगा। तीन बेयरिंग को बारी बारी बीच में हम फिटिंग कर देते हैं। यहाँ दोस्तों मैं तीनों बेयरिंग को इसके ब्लॉक के अंदर फिटिंग कर दिया हूँ। और एक बात और भी आपको बता देता हूँ, जब भी आप बैरिंग को फिटिंग कीजिएगा दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूँ, जब भी आप बैरिंग को ब्लॉक के अंदर फिटिंग कीजिएगा तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जो मैं बैरिंग फिटिंग किया हूँ ब्लॉक में, बैरिंग के अंदर जो हमारा है सुराग है। जब भी आप बैरिंग को फिटिंग कीजिएगा जो सुराग वाला बैरिंग है उसे ब्लॉक के अंदर फिटिंग करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंजन ऑयल आने के लिए जगह दिया गया है। अगर इस सुराग में मैच नहीं होगा तो जो हमारा इंजन ऑयल है वो क्रेन के पास नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए। उसके बाद दोस्तों आपको दिखा देते हैं, ये जो मेरा ऊपर का जो पल्ला है, जो ऐसे हम क्रैंक को टाइट करते हैं, इसमें देख लीजिए, इसमें भी हम बैरिंग फिटिंग किए हुए हैं, पर इस बैरिंग के अंदर, इस पल्ले के अंदर, यहाँ बैरिंग के अंदर सुराग नहीं है ब्लॉक के अंदर। अब क्रैंक को फिटिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए आप, तीनों बैरिंग के ऊपर हम इंजन ऑयल लगा के रेडी कर दिए हैं। अब क्रैंक में जो है उससे भी सफाई वफाई करके रेडी कर दिए हैं। चलिए अब इसके ऊपर हम बैठाने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, जो मेरा क्रैंक है ब्लॉक के अंदर हम फिटिंग कर दिए हैं। ब्लॉक में देख लीजिए, क्रैंक रख देने के बाद ये जो मेरा क्रैंक है बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा इशारा करने के बाद घूम रहा है। तो चलिए क्रैंक को कैसे फिटिंग करना है वो चीज़ मैं आप सबको बता दिया हूँ। चलिए आगे का जो प्रोसेस है वो भी बताने वाला है दोस्तों। अभी जो मेरा ऊपर वाला जो पल्ला है ये देख लीजिए आप, इसे हम फिटिंग करने जा रहे हैं। इसमें अंदर दोस्तों इसके यहाँ थ्रस्ट वॉशर लगता है, तो थ्रस्ट वॉशर को हमें कैसे फिटिंग करना है चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों इस पल्ले के अंदर जो हमारा तीन नंबर का पल्ला है, यहाँ पे आप देख लीजिए नंबर छपा होगा इसके ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आएंगे यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर कट होता है। यहाँ देख लीजिए, एक साइड में कट होगा और एक साइड के अंदर बिल्कुल प्लेन होगा। तो जब भी हम फिटिंग करेंगे तो हम कट को किस साइड में रखना है, यहाँ पे आप देख लीजिए, जो मेरा प्लेन वाला साइड है उसको हम नीचे की तरफ कर दिए हैं। और यहाँ देख लीजिए, जो कट वाला साइज है ऊपर में देख लीजिए आप, कट वाला जो साइज है इसको हम क्रैंक के पास रखेंगे, क्रैंक के साइड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल दोनों तरफ इसमें थ्रस्ट वॉशर फिटिंग कर दिया हूँ। दोनों तरफ आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा कट है बिल्कुल बाहर की तरफ रखे हुए हैं ताकि क्रैंक के साइड में दोस्तों ऐसे हम पल्ला को फिटिंग करेंगे। देख लीजिए, तो जो मेरा कट वाला जो है वो बाहर की तरफ हो जाएगा, क्रैंक के साइड में इस साइड हो जाएगा, एक उस साइड में हो जाएगा, ताकि जो हमारा है इंजन ऑयल वहाँ से क्रैंक के अंदर जाएगा तो इंजन सीज होने का बिल्कुल संभावना नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ हमारा जो तीन नंबर पल्ला है इसके अंदर हम इसमें बैठा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, तीनों पल्ला को हम क्रैंक में फंसा दिए हैं। और यहाँ दिखा देते हैं आपको, एक नंबर लिखा हुआ है और दो नंबर पर दो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप। उसके बाद यहाँ देख लीजिए तीन नंबर है तीनों, उसके बाद दोस्तों जो मेरा तीन नंबर है इसी के अंदर थ्रस्ट वॉशर फंसता है, और कैसे थ्रस्ट वॉशर को फंसाना है वो भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए अब इसे बोल्ट फंसाते हैं और इसके ऊपर इसे टाइट करके और फिर जो हमारा है घुमा के दिखाते हैं आपको कि जो हमारा क्रैंक है बिल्कुल फ्री चल रहा है कि कैसे चल रहा है। दोस्तों जब भी हम बोल्ट को टाइट करेंगे, पहले हम आमने सामने बोल्ट को टाइट करेंगे ताकि जो हमारा बैरिंग है बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल साफ साफ बैठ जाए। तो चलिए पहले इसे टाइट कर लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, बोल्ट जो हमारा है क्रैंक का बोल्ट जो भी है पल्ला का, बिल्कुल हम इसे फाइनल टाइट कर दिए हैं। उसके बाद क्रैंक को आपको घुमा के दिखा देते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, बिल्कुल एक हाथ से घुमाने से बिल्कुल कितना स्मूथ घूम रहा है, बिल्कुल चकाचक है, बिल्कुल मज़ा चिखाने वाला क्रैंक हुआ है भाई, थोड़ा सा भी जाम जुम नहीं है। अगर क्रैंक जाम होने लगता है दोस्तों तो इंजन गर्म होने का या कई प्रकार का दिक्कत होने लगता है। यहाँ
मेरा क्रैंक जो है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, किसी भी प्रकार का कमी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा आगे का प्रोसेस है, अभी हम ब्लॉक के अंदर रिंग को फिटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए आप पिस्टन को, हम बिल्कुल पिस्टन जो हमारा है बिल्कुल नया है। यहाँ आपको दिखा देते हैं महिंद्रा का मैक्सिमो मिनी वैन है, और दोस्तों ये चीज़ आपको दिखा देते हैं, पिस्टन जो मेरा है नया है, IPL कंपनी का है। चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए IPL कंपनी का पिस्टन है, और पिस्टन जो है बिल्कुल नया है। दोनों पिस्टन को हम चेंज किए हुए हैं दोस्तों, और जो हमारा स्लिप है अंदर का प्लग के अंदर के, उसे भी स्लिप को भी चेंज किए हुए हैं, बिल्कुल स्लिप नया डलवा दिए हैं। यहाँ देख लीजिए आप, हमारा महिंद्रा का गाड़ी है, इसके अंदर हम महिंद्रा कंपनी का ही रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए महिंद्रा मैक्सिमो के लिए बहुत ही बेस्ट रिंग है दोस्तों, क्योंकि महिंद्रा दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए, जब भी पिस्टन को अंदर रिंग को फिटिंग कीजिएगा तो इसमें रिंग के अंदर दोस्तों टॉप और लोअर पोजीशन बजाया जाता है। यहाँ देख लीजिए मैं पिस्टन के अंदर रिंग को फिटिंग किया हूँ, यहाँ देख लीजिए जो मेरा रिंग है बिल्कुल टॉप पे है, टॉप वाला पोजीशन टॉप पे है। दूसरा वाला रिंग को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए इसका भी जो टॉप है वो भी बिल्कुल टॉप पे है। अब चलिए दोस्तों जो मेरा आगे का प्रोसेसेस है रिंग को, हमें जो मेरा इस पिस्टन के अंदर तीन रिंग है दोस्तों, हमें इन तीनों रिंग को तीन भाग में बांटना होगा ताकि जो हमारा है कंप्रेसर लीकेज ना कर पाए। तो चलिए हम रिंग को कौन कौन सी भाग में रखते हैं वो चीज़ आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि सबसे जो मेरा ऑयल प्रेशर वाला रिंग है, यहाँ कट आपको सामने में दिख रहा होगा, ये सबसे पहले मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ। और दो नंबर से नीचे से जो दो नंबर रिंग है मेरा, इसको जो मेरा कट है बिल्कुल इसके नीचे की तरफ लेके चले जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो मेरा सबसे टॉप वाला रिंग है उसको हम इससे थोड़ा इस साइड में कर देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए जो मेरा, और आगे करके दिखाइए, यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे मेरा जो नीचे वाला रिंग का जो कट है उसको हम यहाँ पे रखे हुए हैं। दो नंबर जो मेरा काला वाला रिंग है उसका जो कट है बिल्कुल हम नीचे की तरफ रखे हुए हैं। यहाँ पे दिखाइए ज़रा, यहाँ देख लीजिए दोस्तों जो मेरा नीचे वाला जो रिंग है उसका कट जो है बिल्कुल यहाँ पे है, बीच वाला रिंग का कट जो है यहाँ पे है आप देख लीजिए, और ये है मेरा टॉप वाला रिंग। चलिए ऊपर की तरफ लेके आइए, यहाँ देख लीजिए आप। तो दोस्तों मैं तीनों रिंग को तीन भाग में बांट दिया हूँ ताकि जो मेरा कंप्रेसर है लीकेज ना कर पाए और बिल्कुल गाड़ी चलने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों जो मेरा पिस्टन के अंदर रिंग है उसे हम क्लिप से चाप दिए हैं, बिल्कुल इसे बिल्कुल चाप के और फिटिंग से कर दिए हैं। उसके बाद चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं जो मेरा क्रैंक है, क्रैंक को हम नचा के पहले टॉप के ऊपर कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए क्रैंक जो है मेरा बिल्कुल इसे टॉप पे कर दिया है, क्योंकि जब भी हम पिस्टन को इसके अंदर बैठाएंगे तो जो हमारा कनेक्टिंग रड है उसमें जाके बैठेगा, तो पिस्टन को हम टॉप पे कर दिया है। उसके बाद स्लिप के अंदर थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा देते हैं ताकि रिंग को बैठने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ हम कनेक्टिंग के बैरिंग के ऊपर हल्का इंजन ऑयल लगा देंगे। चलिए अब जब भी हम पिस्टन को ब्लॉक के अंदर फिटिंग करेंगे तो यहाँ पे तीर के निशान दिया गया है, तीर को निशान को हमें आगे की तरफ रखना है। चलिए इसमें बैठाते हैं, आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम क्रैंक को टॉप पे कर लिए हैं, पिस्टन को भी फंसा दिए हैं ब्लॉक के अंदर। चलिए अब कैसे इसके अंदर बैठाना है वो चीज़ आपको चलिए देखिए, यहाँ पे दिखा देते हैं जो मेरा पिस्टन है उसे हम कैसे इसके अंदर दोस्तों बिल्कुल आराम आराम से चोट मारेंगे, जो हमारा पिस्टन है वो ब्लॉक के अंदर आराम से बैठ जाएगा। यहाँ देख लीजिए जो हमारा पिस्टन है वो ब्लॉक के अंदर बिल्कुल आराम से बैठ गया। उसके बाद दोस्तों हम बारी बारी से दोनों पिस्टन को इसके अंदर बैठा देंगे। तो चलिए दोस्तों दोनों पिस्टन को हम इसमें फिटिंग कर लिए हैं, और दोस्तों इन्हें फिटिंग करने के बाद नीचे वाला पे आप देख लीजिए जो मेरा इंजन का जो पिस्टन है उसे हम ब्लॉक के अंदर फिटिंग कर दिए हैं। और फिटिंग करने के बाद दोस्तों साथ में आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं जो आज तक आपको किसी ने, दोस्तों जब भी हम इंजन ओवरहॉल करेंगे तो हमें कैसे इसे चेक करना है साथ में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों पहले हम इंजन को घुमा के देखते हैं, यहाँ देख लीजिए जो हमारा पिस्टन है डाउन हो गया है, फिर इसे हम घुमा के देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए जो हमारा पिस्टन है बिल्कुल टॉप पे आ गया है। यहाँ दोस्तों जब भी आप इंजन ओवरहॉल कीजिएगा तो एक बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा पिस्टन है ये जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक को इसे यहाँ पे चेक करना है ताकि जो हमारा पिस्टन है वो बिल्कुल फेस में तो है। दोस्तों अगर आपका पिस्टन ब्लॉक से डाउन हो जाएगा तो गाड़ी आप जब भी इंजन ओवरहॉल कीजिएगा पिस्टन अगर आपके डाउन हो जाएगा तो दोस्तों गाड़ी जो है लोड नहीं ले पाएगा। तो जब भी हम इंजन ओवरहॉल करेंगे तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है,
जो हमारा पिस्टन है दोस्तों वो बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउन रह रहा है तो हमें उसे कनेक्टिंग रॉड को चेक करना है, कहीं हमारा कनेक्टिंग रॉड अगर टेढ़ा हो जाएगा दोस्तों तो जो हमारा पिस्टन है वो डाउन हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी डाउन नहीं चाहिए, पिस्टन जो हमारा है बिल्कुल टॉप पे चाहिए और बिल्कुल बराबर में चाहिए दोस्तों, ब्लॉक के साइज में चाहिए, बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउन हो जाता है तो आपकी गाड़ी जो है लोड नहीं लेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। बाकी जो आगे का मेरा प्रोसेस चलने वाला है दोस्तों, गैसकेट को कैसे फिटिंग करना है, हेड को कैसे फिटिंग करना है दोस्तों, मैं पार्ट टू वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाकी के लिए प्रोसेस जो मेरा है पार्ट टू वीडियो में बताने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।